हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। हम वैदिक मैथ का जो ये हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हमने वैदिक मैथ का इंट्रोडक्शन देखा था कि वैदिक मैथ में क्या क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास हमारा इंट्रोडक्शन का था, उसके बाद सेकेंड क्लास हमारा एडिशन पे था कि एडिशन हम कैसे फास्ट ट्रैक से फास्ट ट्रिक से हम एडिशन को कर सकते हैं। अब आज का क्लास जो हमारा ये थर्ड क्लास है, आज हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन हम किस तरीके से फास्ट ट्रिक के साथ और हम फास्ट में सब्ट्रैक को कर पाएंगे। क्योंकि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है ना, जब भी कैरी लेने की बात हो जाती है तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और इसी से हमारा क्या होता है, टाइम ज़्यादा जाता है। जो कि सब्ट्रैक्शन से ही आपका सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन का ही खेल होता है। क्योंकि जितने जल्दी सब्ट्रैक करते हैं उतने ही जल्दी हम नंबर सीरीज को कर पाते हैं। तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये मल्टीप्लीकेशन, ये तीन हमारा बहुत ही सुपर फास्ट होना चाहिए। तो एडिशन का तरीका तो हमने देख रखा है, चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन हमें किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। आज हम सब्ट्रैक पढ़ेंगे। तो सब्ट्रैक में आपको हमने एडिशन में एक बेसिक रूल बताया था, जिसे उसको मतलब ट्रिक के साथ एक किया हुआ था, ठीक है। तो जिसे मैंने कहा था कि हम जब प्रीवियस क्लास करेंगे तो उस क्लास में आपको हमने डिटेल में सब्ट्रैक करके बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए, मतलब जो सब्ट्रैक डिफरेंट टाइप से हम कर सकते हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि कब कौन से टाइप करना हमारे लिए बेनिफिट होता है, मतलब कि हम टाइम को सेव कर पाते। तो हर जगह पे हर टाइप नहीं यूज होता है, तो हमें हर टाइप आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कब हमें कौन से ट्रिक से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक सब्ट्रैक का हम क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे कि 4 3 7 -3 1 4, ठीक है। तो चलो इसको सब्ट्रैक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिक डिजिट से कैसे करेंगे। तो ये क्या दिख रहा है हमें कि प्लस हमारा क्या है, ग्रेटर देन है माइनस से। प्लस, ये प्लस की वैल्यू हुई, ये माइनस की वैल्यू हुई, तो ये ज़्यादा है ये कम है, ठीक है। तो जब भी प्लस की वैल्यू ज़्यादा होता है तो हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। मीन्स कि 7 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है कि इस तरीके से हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन लेके देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, तो सेकेंड हम नंबर ले लेते हैं। ये क्या है, 412 को सब्ट्रैक्ट करना है कितना से, 361 से, ठीक है। जब कैरी लेने वाला आएगा ना, तो मैं डेफिनेटली वो ट्रिक आपको बताऊंगी, ठीक है, जो कि हमने एडिशन में एक क्वेश्चन कर रखा था सब्ट्रैक्शन का। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, एक तो ये बेसिक था कि यूनिट डिजिट मेजर से भी हमारा आता है आंसर, ठीक है। और एक है कि कंपेयर करना, मतलब कि अगर इस नंबर को जितने बढ़ाओगे उतने ही इस नंबर को भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि होल नंबर करने के लिए। अगर 361 है, इसको होल नंबर मतलब कि अगर 400 बनाने के लिए इसको कितना ऐड करना पड़ेगा, मीन्स कि इसमें 39 प्लस करना पड़ेगा, तब ये क्या बन जाएगा, 400 बन जाएगा। तो अगर इसमें 49 ऐड किए हैं तो अब इसमें भी 49 ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा, अगर इसमें 49 ऐड कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 451 हो जाएगा। तो इस दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, मीन्स कि 51 इसका आंसर आया। एक तो ये भी तरीका है, फिर से कहती हूँ कि इसको कैसे किए हैं। देखो, ये क्या था 412, ये क्या था 361। तो 361 को अगर हमें 400, क्योंकि जब भी जीरो वाली संख्या आ जाती है, मतलब कि यूनिट डिजिट पर अगर जीरो हो जाता है तो हमें सब्ट्रैक्ट करने में बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। तो हमें इसको क्या बनाना था, होल नंबर बनाना था। तो 400 बनाने के लिए कितना ऐड किए, 39। तो इसमें 39 ऐड किए तो इसमें भी क्या ऐड करना पड़ा, 39 ऐड करना पड़ा। मीन्स कि ये क्या हो गया 400, ये क्या होगा 451। तो डिफरेंस कितना आएगा, 51 का आया। सिंपल, यहाँ से भी करते तो डिफरेंस इतना ही होता। चलिए अब हम वो तरीका, क्योंकि इसमें कैरी लेने वाली बात थी, तो चलो वो सब्ट्रैक्शन हम करके दिखाते जो कि फास्ट ट्रिक है। 412 में से 361 जाएगा, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो क्या है कि 2 में से 1 जाएगा 1, इसको तो कैरी नहीं लेना पड़ा, बट 1 में से 6 को सब्ट्रैक करेंगे तो 4 में से 1 कैरी लेना पड़ेगा। तो कैरी लेने के झंझट को हटाने के लिए
इसको हम खत्म करने के लिए क्या करते हैं कि नीचे जो भी नंबर होता है ना उसको 10 बनाते हैं। तो 6 को 10 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 4, क्योंकि ऐड में हम लोग मास्टर होते हैं, छोटे छोटे नंबर को हम लोग यूं ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 को 10 बनाने के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा, तो 4 ये 1 होना है। ऊपर में जितने भी नंबर होते हैं उसको क्या करना होता है, डेफिनेट सिंपल, उसको क्या करो उस नंबर में ऐड कर दो। तो कितना था? 4, 4 1 क्या हो गया, 5, डेफिनेटली यहाँ पे 5 आ गया। मीन्स कि अगर आप, इसको हम बोलते हैं डॉट मीटर, सब्ट्रैक्शन का डॉट मीटर। इस नंबर में से 3 में से एक कैरी लिए थे, तो यहाँ पे क्या है, डॉट लगा दो। मीन्स कि इसमें क्या लिए थे, एक कैरी लिए थे, तो 3 1 4 हो गया, ठीक है। तो 4, तो अब क्या हो गया, 4 4 ये कैंसिल हो गया, मीन्स कि 51 ही आंसर आया। क्लियर है? ये 3 और ये 1 डॉट, मतलब इसमें से कैरी लिए थे उसमें ये डॉट ऐड करना होता है। तो 3 1 क्या हो गया, 4, 4 में से 4 जाएगा 0 ही होगा, तो मतलब 51 हमारा आंसर। समझ में आया ये तरीका? चलिए इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन आपको लेके बताती हूँ, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है कि अब हम एक दूसरा कोई नंबर लेके देखते हैं, 5 2 7, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेते हैं 8 6 3, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये डॉट मेथड ट्रिक से, ठीक है, डॉट मेथड ट्रिक से। अब 7 में से 8 नहीं जाएगा, तो 8 को 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी 8 को 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना, मतलब 7 में क्या करो 2 को ऐड कर दो, 7 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, डॉट लगा दो, तो 6 और 1 7 हुआ, ठीक है। तो 7 में अब 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3, तो 3, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 3 गया, क्या हो गया, सिंपल। समझ में आया ये कैसे किए हैं? चलिए फिर से इसको एक बार रिवीजन कर लेते, ठीक है, रिपीट करके देख लो एक बार, फिर से समझ में आ जाएगा। क्या किए थे, 8 को 10 बनाने के लिए 2 ऐड किए थे, 2 ऐड किए तो 7 में क्या करना पड़ेगा, जो इसको 10 बनाने के लिए जितना ऐड करना पड़ता है, ऊपर का जो भी अंक होता है उसमें उतना ऐड करना पड़ता है। तो 7 में 2 ऐड किए कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे डॉट दिया, मीन्स कि 6 और 1 क्या हो गया, 7, तो 7 को 10 बनाने के लिए 3, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। फिर इसमें से भी कैरी लिए थे, तो यहाँ भी एक डॉट हुआ था, 3 1 क्या हो जाएगा, 4, तो 5 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, सिंपल। समझ में आया ना? चलो एक और हम देख लेते हैं ये डॉट मेथड से, 7 2 5 4 5, यहाँ पे हम 8 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 8 सब्ट्रैक्ट करना है इसे भी, अब 8 को 10 बनाने के लिए कितना करना होगा, 2 ऐड करना होगा, तो 2 तो 5, ऊपर का जो भी अंक होता है उसमें क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो 5 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, डॉट, मतलब 5 1 6, ठीक है। तो 6 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा, 4 2 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें भी एक कैरी, क्योंकि कैरी लिए थे तो इसमें भी एक डॉट, तो 4 1 5, तो क्या हो गया, 7 में से 5 गया, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब समझ में आ रहा है कि हमने क्यों बोला था कि फर्स्ट ट्रैक और सब्ट्रैक्शन में इससे ज्यादा फर्स्ट ट्रिक नहीं हो सकता है। मैं डेफिनेटली गारंटी बोलती हूँ आपको कि सब्ट्रैक करने का ये तरीका सबसे ज्यादा इजी तरीका है। इस तरीके से अगर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक करते हैं, अगर छोटा वैल्यू होता है तो डेफिनेटली आप इसी तरीके से सब्ट्रैक करो, क्योंकि ये सब्ट्रैक करने का नौबत ही नहीं आता है, क्योंकि हम एडिशन के थ्रू सब्ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं कि किस तरीके से यूनिट डिजिट मेथड पे, आई होप कि आपको डॉट मेथड क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब हम यूनिट डिजिट मेथड पे चलते हैं। तो यूनिट डिजिट मेथड पे तो उसे तो क्लियर था ना कि हम क्या करते हैं कि एक को सब, जो भी बड़ी वैल्यू होती है उससे छोटी वैल्यू को हम सिंपल यूनिट डिजिट से करते चलते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार हम एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो ये हमारा पहला मतलब क्वेश्चन है, ये क्या है, 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं 4 9 6 plus 6 2 1 minus 2 3 4 minus 7 0 3, ठीक है। अब देखो क्या है, प्लस, ये दोनों क्या है, प्लस है, ये दोनों क्या है। सबसे पहले देखो कि प्लस वाला ज्यादा होगा या माइनस वाला, तो हम देख रहे हैं 6 4 10 और 7 2 9, तो मतलब कि प्लस क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा माइनस की वैल्यू से, तो डायरेक्ट हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 1 7, और ये क्या है,
ये प्लस का 6 और एक 7 और 4 3 7 मतलब कि यूनिट डिजिट कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 9 और 2 क्या हो जाएगा 11। ठीक है, 9 2 11, 11 में से क्या हो जाएगा 3 गया, तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या है 4 और ये क्या है 6, 10 और 7 2 9 मतलब माइनस का 9 और प्लस का 10 क्या हो जाएगा 1, 180 हो गया। एक तो ये तरीका था, दूसरा क्या था तरीका, दूसरा तरीका क्या है कि आप प्लस प्लस को एक साथ ऐड कर दो, माइनस माइनस को एक साथ ऐड कर दो, फिर सबट्रैक्ट करो, बट उसमें क्या होता है टाइम ज़्यादा जाता है। चलो ये भी करके देख लेते हैं, 6 4 कितना होगा 10, 9 2 11, ठीक है, उसके बाद 6 2 6 और 1 7, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 1 1 1। ठीक है, अब चलो माइनस वाले को कर लेते हैं, तो 7 2 9 और ये क्या है 3 और 4 3 7, ये हो गया। अब इसको सिंपल क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हो गया ना 0 और ये कितना है 7 1 8 और ये कितना हो जाएगा 1। क्लियर है, इसको हमने कैसे किया, डॉट मेथड से किया ना, 7 7 0 3 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 7, तो 7 1 क्या हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा ये भी डॉट, तो 10, तो 10 तो 11 में से 10 गया क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। क्लियर है, समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आ गया। सब ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको खुद से कुछ क्वेश्चन लेना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप भी इतनी ही स्पीड से कर पाओगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन एक और लेके देखते हैं, 4 2 8 6 + 3 1 2 1 - 6 8 3 4 + 2 8 9 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस और ये प्लस की वैल्यू मीन्स कि प्लस की वैल्यू ज़्यादा होगा माइनस की वैल्यू से, सेम इसे यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। तो ये देखो 4 है, यहाँ पे 6 प्लस का मीन्स कि 2 बच जाएगा, तो 2 1 3 6 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, एक और नंबर इसमें ऐड कर ले, तो थोड़ा बड़ा होगा तो थोड़ा सा करने में सही होगा। ठीक है, एक मिनट, 9 - 9 0 5। ठीक है, अब क्लियर है, चलो अब इसको कर लेते हैं। अब ये 5 - 5 है, यहाँ पे प्लस का 6 है, तो क्या बच जाएगा 1, तो 1 2 और 2 कितना बच गया 4, तो यहाँ पे ये 4 हो गया यूनिट डिजिट पे। अब सेकेंड क्या है 8 2 10, 10 में से 3 गया, माइनस का 3 गया, कितना बच गया 7, तो 7 9 7 16। ठीक है, 16 का 6 कैरी कितना बचा 1 1 बच गया, तो 2 1 3 3 1 क्या हो गया 4, तो 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा, ये 8 प्लस का ये 8 माइनस का, इसको कैंसिल करो। ठीक है, प्लस माइनस गया तो 2 1 3 1 4, 4 में से 9 जाएगा, तो मतलब कि 4 में से तो 9 नहीं जाएगा, 4 में से 9 नहीं जाएगा, एक कैरी लेना पड़ेगा, मीन्स कि क्या 14 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 होगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें से कैरी लिए थे एक नंबर इसमें से कम होगा, तो ये क्या था 3 3 3 क्या हो जाएगा 6, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का था कैंसिल हो गया, बाकी बचा कितना 2 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या था, हमारा यूनिट डिजिट था। क्लियर है, ये क्या था, यूनिट डिजिट था। यूनिट डिजिट से हम इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें क्या हो जाएगा, माइनस की वैल्यू क्या होगी हमेशा बड़ी हो जाएगी, प्लस वाली वैल्यू छोटी होगी, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेना, माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लेना, फिर आप क्या करना, जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से आप प्लस को कम करना। ठीक है, नहीं तो जैसे कि यहाँ पे किए थे तो इस तरीके से क्या होता है, गलत हो पाता है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से करना चाहिए, और सबसे बेस्ट तरीका हमारा डॉट मेथड है। अगर छोटी वैल्यू आती है और नंबर सीरीज का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको सब्ट्रैक्ट को इसी तरीके से आप यूज करना, डेफिनेटली आप बहुत कम समय में क्वेश्चन को कर पाओगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सब्ट्रैक्शन का ये फास्टर ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट ये तभी आपके पास हो पाएगा जब आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन अपने आप से बना के सब्ट्रैक्शन का ढेर सारा प्रैक्टिस करोगे तो ही ये डॉट मेथड अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अपना रिव्यू हमें कॉमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल है, आपका सब्ट्रैक्शन कितने ज़्यादा फास्ट होते हैं इस वीडियो से। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।